हित सर्वोपरि। सुनौलो अवसर, के तपाईँ आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो शिक्षा लिएर तनावग्रस्त हुनुहुन्छ? के तपाईँ आफ्नो सन्तानको सुव्यवस्थित जीवन बनाउन चाहनुहुन्छ? आउनुहोस् सिलगढी स्थित रुत इन्टरप्राइज अनि भेट्नुहोस् एडुकेसनल एक्सपर्टहरू। स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ नर्सिङको विभिन्न कोर्सहरू, जिएनएम, बिएससी नर्सिङ, पोस्ट बिएससी, एमएससी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी साथै एमबिबिएससम्मको उचित शिक्षा। विनय तामाङ की कोई बात जो है अभी दार्जिलिंग में कोई भी नहीं सुनता और बुरी तरह दोनों चुनाव वो हार चुके हैं। कोई जनाधार नहीं है, इल्लीगल तरीके से जीटीए में बैठे हुए हैं और आज भी ममता दीदी की चापलूसी करते हैं। तो उनके कहने से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उनको यहाँ की जनता 1% भी सीरियसली नहीं लेती। और रही बात आसाम में जो एनआरसी है, देखिए जो आसाम एकॉर्ड साइन हुआ था उसके मुताबिक ये एनआरसी वहाँ पे लागू हो रहा है। और 2010 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था दो जगह में, बरपेटा और एक जगह और, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गई और काफ़ी हिंसा भी हुई। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के अंदर में ये एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इसके अंदर में बहुत सारे जो गोरखा आसाम में रहते हैं उनका नाम आ चुका है, उसके बावजूद भी काफ़ी सारे नाम छूटे हुए हैं और लोग अभी 1.5 लाख कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी संख्या पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि जब 41 लाख जब संख्या छूटी थी तब जो आसाम के गोरखाएं करीब 1.5 लाख थे, तो अब वो 41 लाख घट के 19 लाख हो गया। मुझे लगता है 75,000-80,000 के आसपास होनी चाहिए। अब जो नाम छूटे हैं उसके अंदर में आप देखेंगे बारीकी से तो ज़्यादातर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और जो है क्लेरिकल मिस्टेक है। एक परिवार के जब 5 सदस्य हैं, 3 के नाम आ गए, 2 छूट गए, माँ बाप के नाम आ गए, बच्चों के नाम छूट गए, कई बच्चों के नाम आ गए लेकिन उनके पेरेंट्स के नाम छूट गए हैं। इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 महीने का समय था, अभी 4 महीने का टाइम दिया है और मुझे लगता है इस 4 महीने के अंदर में सारे गोरखाओं के नाम आ जाएंगे। और सिर्फ गोरखा ही क्यों, बहुत सारे आसामीज और बहुत सारे जो बंगाली, बहुत सारे लोगों के वहाँ पे नाम छूटे हुए हैं जो वहीं के मूल हैं, तो उनके लिए भी एक समय है। और करीब 300 जो है मतलब ट्रिब्यूनल बने हैं, पहले 200 की बात की, 300 जगह बनी है और लोग जाकर के ट्रिब्यूनल में अपनी डॉक्यूमेंट जमा करके एनआरसी में अपना नाम डलवा सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई एनआरसी में नाम छूट जाता है फिर उसके बाद ये तय करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर चालू होता है राज्य सरकार क्या करेगी और केंद्र सरकार क्या करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि 4 महीने का समय बहुत होता है, हमको धैर्य से इसको जो है साथ देना चाहिए। और देखिए अल्टीमेटली एनआरसी का विरोध क्यों, मैं कहता हूं भैया एनआरसी होना ही चाहिए, आसाम में था, बंगाल में भी होना चाहिए, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य तो यही है, जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो बाहर से घुसपैठी है उनको हम जो है देश से बाहर निकालेंगे। हमारा देश क्या कोई धर्मशाला है, कोई भी मुंह उठा के चल देगा और यहाँ पे आके रहेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे भारत वर्ष में, आसाम के अंदर में, बंगाल के अंदर में, हम सबके लिए ये कवच है। और बहुत सारे लोग नेतागिरी करके हमें भ्रमित करते हैं कि एनआरसी के कारण ये हो जाएगा, एनआरसी के कारण वो हो जाएगा, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। और बीजेपी सरकार सारी भारतवासियों के साथ खड़ी है, किसी भी हिंदुस्तानी को एनआरसी के कारण देश से बाहर जाने की स्थिति नहीं आएगी, इतना मैं आपके माध्यम से अपनी जनता को कहना चाहूंगा। देखिए आप विनय तामांग का ज्यादा नाम लो, कौन लेता है उनको सीरियसली? जो व्यक्ति अपने बूथ के अंदर में जीत नहीं सकता उसका कोई जनाधार है, उसको कोई सुनेगा? वो कहते मैं आसाम जाऊंगा, अरे पूरा आपने दार्जिलिंग को तो जो है जितना आप फैसलाइज करते कर सकते थे उतना किया, अब क्या जो शांत पड़ा हुआ आसाम है आप उसको बर्बाद करना चाहते हो? विनय तामांग ने एक गोरखा होते हुए जितना अत्याचार गोरखाओं के ऊपर किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। और आज भी लेफ्ट और राइट ममता दीदी के चलते हैं, ये मतलब गोरखा समाज बिल्कुल भी उनको बर्दाश्त नहीं करता। और उनके कहने पर मैं तो कभी सीरियसली लेता ही नहीं हूँ, उनके कहने पर वहाँ की जनता बिल्कुल भी उनको सीरियसली नहीं लेती।
और वो एक भ्रम फैला रहे हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। मैं ये कहता हूँ अगर एनआरसी लागू होता है तो पहाड़ में गोरखा ज्यादा सुरक्षित है। गोरखा ही क्यों, जो आदिवासी है, जो राजवंशी है, जो कोचे है, मेचे है, टोटो है, जो यहाँ के मूल है, वो तो ओआई है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। आज तो मैं कहता हूँ टीएमसी के कारण गोरखा बंगाल में सुरक्षित नहीं है। उसके कारण ये है कि दार्जिलिंग के अंदर में, कालिम्पोंग के अंदर में, तराई डुवर्स के अंदर में रहने वाले, चाहे वो गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोचे हो, राजवंशी हो, बहुत सारे लोग जो चाय बगान में, सिंघोना बगान में रहते हैं या जो फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, उनके पास कोई जमीन का अधिकार नहीं है। कल तो कोई भी उनको भगा सकता है। तो ऐसी स्थिति में एनआरसी हमको ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। और आप देखिए टीएमसी की हालत, 2006 एफआरए पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ, पहाड़ में आज तक उसको लागू नहीं किया गया। बहुत सारे लोग हमारे जो है बनबस्ती में रहते हैं, फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, और जो चाय बगान, सिंघोना बगान में काम करते हैं, उनके पास जमीन का अधिकार भी नहीं है। तो ये इतना अत्याचार टीएमसी ने किया है, मैं कहता हूँ टीएमसी सरकार पूरी तरह फेल है, लॉ एंड ऑर्डर बेकार है, पुलिस एट्रोसिटी आई है, एजुकेशन को पूरा खत्म करके रख दिया, शिक्षा संस्थाओं को खत्म फैसनेस कर दिया, और स्वास्थ्य की कोई सुविधा ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। बंगाल आज कर्ज में डूबा हुआ है। 34 साल तक जो है, जब सीपीएम यहाँ पे थी तो 1,90,000 करोड़ के आसपास कर्जा था बंगाल के ऊपर में, आप 4,00,000 करोड़ से ज्यादा कर्जा हुआ है वो मात्र 8 साल में। और इतना सारा पैसा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए नहीं लगा, ये सारा पैसा कटमनी और करप्शन के अंदर में नेताओं ने अपने जेब में भरे हैं। तो मैं ये कहता हूँ ये सरकार पूरी तरह फेल है। और आज भी देखिए ममता दीदी ये कह रहे हैं हम एनआरसी का विरोध करेंगे, इसका अर्थ ये है कि ममता दीदी का हाथ रोहिंग्या के साथ, ममता दीदी का हाथ बांग्लादेशियों के साथ, और ये जो सरकार है ये पूरी तरह जो है बंगाल को तहस नहस करके रखेगी। इसलिए हम सबको चाहिए कि 2021 के अंदर में भाजपा और मोदी जी की सरकार को लेकर जाए। देखिए हर कोई एनआरसी का समर्थन कर रहा है, और जब दार्जिलिंग की भी बात करो तो दार्जिलिंग के भी जो गोरखा है वो भी जो है उस चीज को समर्थन करते हैं। ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम एनआरसी के विरोध में है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने भी लोग बंगाल में रहते हैं वो सब भी चाहते हैं कि एनआरसी लागू। आउनुहोस् सिलगढ़ी स्थित रुथ इंटरप्राइज अनि भेट्नुहोस् एजुकेशनल एक्सपर्टहरू। स्वास्थ्य विभाग अधीनस्थ नर्सिङ को विभिन्न कोर्सहरू, जीएनएम, बीएससी नर्सिङ, पोस्ट बीएससी, एमएससी, डी फार्मेसी, बी फार्मेसी साथै एमबीबीएस सम्मको उचित शिक्षा सुलभ शुल्कमा गराइने निशुल्क परामर्श दिनेछ। 100% रोजगार निश्चित यी कोर्सहरू हाम्रो निगरानीमा हुनेछ। 12 श्रेणी साथै कलेजका विद्यार्थीहरूमा आएको प्रत्येक दुधार हामी समाधान गर्नेछौँ। यस लगायत अन्य कोर्सहरू जस्तै इन्जिनियरिङ, ग्रेजुएसन, पोस्ट ग्रेजुएसन, लो म्यानेजमेन्ट, एभिएसन जस्ता प्रभावकारी कोर्सहरूको निशुल्क परामर्श दिनेछ। भारत सरकारद्वारा जारी पञ्जीकृत स्वीकृत विभिन्न महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयहरूमा रुथ इन्टरप्राइजको सोझै सम्पर्क रहेकोले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। Hello everyone, welcome to Rooth Enterprise. Are you confused about your career? Do you want to become a doctor, an engineer, a lawyer, an entrepreneur? Or do you want to go for your abroad studies? So we have one step solution for all your confused career. Do visit us, our office in Champa City Main Road, Siliguri. र म यहाँ फर्स्ट इयर जोइन गर्दैछु, र यो कलेज एकदमै राम्रो छ, आफूले अब सोचेको भन्दा पनि धेरै नै राम्रो छ, र हामीलाई यहाँ आएमा सरी ल्याउनु भएको हो। हाई, मेरो नाम रुबिना हो अनि म फर्स्ट इयर बिएससी गर्दैछु, अनि म यहाँ दार्जिलिङबाट आएको हो। अन्त मलाई चाहिँ यहाँ हेमन्त सर सरबाट आएको हो, सरले नै मलाई यो कलेजको बारेमा भन्नुभयो, अनि यो कलेजमा आएँ। यो कलेज एकदमै राम्रो पनि रहेछ होइन, आफूले सोचेको भन्दा राम्रो छ, यहाँ धेरै प्रकारको कोर्सहरू पनि पाइन्छ। नमस्ते, मेरो नाम योजना थापा हो, म दार्जिलिङबाट आएकी हो, अनि म फर्स्ट इयर बिएससीमा पढ्दैछु, र
हामीलाई हेमन्त सरले ल्याउनु भएको, मेरो साथमा थुप्रै साथीहरू पनि छ, हामी 11 जना आएकी छु र यो कलेजमा आएर धेरै धेरै खुसी लाग्यो। मैले सोचेको भन्दा धेरै धेरै कुराहरू मैले पाएँ।